Okay, good afternoon. Welcome again to our series of digital trainings. और आज month of May है. Cannot believe that already fifth month चल रहा है, right? It's like passing so fast. But none of us thought कि 2020 ऐसा कुछ होगा हमारे लिए. But anyway, we are hopeful कि things will restore to normal and everything will be like you know as beautiful and as happening as it was before this pandemic. लेकिन जितना भी अभी time है pandemic का, it's a very critical time, particularly for the people जिनको digitally काम करना है. Why? Because digital आज के time में, जैसे मैंने अभी कहा था, it is very very important communication channel, right? आज के time में अगर आपको अपने thoughts put करने हैं, आपको दूसरे लोगों से बात करनी है, आपको कोई opinion देता है, हम loudspeaker पे बात नहीं करते हैं, right? हम directly social media पे post करते हैं. So if you look at it, social media has become the primary channel for us to communicate, right? And it's very important कि हम social media पे आए. And also something जो बहुत important है, अभी अगर आप sell करोगे तो लोग आपसे खरीदेंगे भी नहीं. अगर delivery भी होती है, of course essentials they will buy. But if you use social media just to sell, आज के time में if you see lot of companies वो अपना communication, अपना branding change कर रहे हैं. वो लोगों को डायरेक्टली सेल नहीं कर रहे हैं, वो उनको वैल्यू क्रिएशन की तरफ लेके आते हैं कि वी आर अ रेस्पॉन्सिबल कंपनी, हम आपके लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि सस्टेनेबल है, जो कि नेचर फ्रेंडली है. सो वर्ल्ड इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल सेलिंग. जो मैंने बहुत बार कहा है कि सोशल मीडिया पे लोग प्रोडक्ट खरीदने नहीं आते हैं, दे गेट कम हियर फॉर क्यूरेटेड कॉन्टेंट, राइट? तो सोशल सेलिंग क्या है? ऑफकोर्स लाइक यू नो going forward in next month maybe हम एक training करें social selling को लेके भी, जहाँ पे हम discuss करते हैं कि socially कैसे sell करना है, what are the best practices. ये mostly content पे revolve करता है कि आपका content कैसा होना चाहिए और आपको किन चीजों का ख्याल रखना है. But again in pandemic more focus has to be on creating brand. अभी जितना आपके पास अच्छा time है brand building का, इतना अच्छा time आपको कभी नहीं मिलेगा. Why? क्योंकि आजकल orders ज्यादा like you know तो मिल नहीं रहे हैं, राइट? एंड राइट नाउ पीपल आर जस्ट फोकस्ड ऑन वन थिंग, दैट इज कंटेंट. सो आज के टाइम में जो ये टाइम है हमारा, द बेस्ट टाइम टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड, एंड देयर इज नो अदर मींस फॉर यू टू क्रिएट अ रियली स्ट्रांग पर्सनल ब्रांड अदर देन गोइंग लाइव. रोज रोज नहीं करना है, हफ्ते में एक दो बार करना है, बट अच्छे से लाइव करना है, प्लान करके लाइव करना है, और आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपके पास बिजनेस ड्राइव हो रहा है और आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्सनल ब्रांड है वो शेप अप हो रहा है, वो स्ट्रक्चर होता है. Why? Because जो लाइव स्ट्रीमिंग है इसमें इंटरैक्टिव कंटेंट मिलता है जो कि रियल टाइम हम क्रिएट करते हैं, एंड ऑल्सो जब आप खुद कैमरा के सामने आके लोगों से बात करते हो इसमें क्रेडिबिलिटी मिल जाती है. पीपल परसीव यू एज अ रियल पर्सन, नॉट समवन जो कि सिर्फ कैटलॉग के पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. और अगर हम देखेंगे आजकल के टाइम में इट्स ऑलरेडी हैपनिंग. हमने लास्ट टाइम जो ट्रेनिंग करी थी लाइव स्ट्रीमिंग को लेके, इट वाज ऑन 3rd of April, आई स्टिल रिमेम्बर. उसके बाद से आई हैव सीन अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पीपल हु वेंट लाइव, एंड यहाँ पे कुछ काफी अच्छे मेंशन है. तो अगर आप देखोगे कंपनी में भी अब शिफाली, फ्रेडरिक आर ऑफन गोइंग लाइव. व्हाई? बिकॉज़ दैट इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद पीपल आज के टाइम में. नितिन आई सॉ वो दो टॉप लीडर्स के साथ लाइव गया. One is Nadia Mutia and another is Onanyo Okai from Nigeria. Very strong digital leaders. And similarly, abhi Kaval Preet ka bhi maine live dekha tha. A very strong leader from Indonesia, Oriflame Indonesia, Cynthia. An epitome of like, you know, digital success and of course the Oriflame business success. So, aap dekh ro like, you know, networking, making friends, making connections is more important than just selling or putting out products. क्योंकि इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में वही लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे जो ब्रांड की तरफ बिल्ड करते हैं. जो लोग ब्रांड पे फोकस नहीं करते हैं उनको इमीडिएट टर्म में कुछ सेल्स आ जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे. लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक ब्रांड को आप सस्टेन कर सकते हो, और वो ब्रांड क्रिएट करने के लिए मेहनत लगती है, लाइव आना पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक वैल्यूबल कॉन्टेंट क्रिएट करना पड़ता है. ओके, नाउ टूडे विल प्राइमरली टॉक अबाउट लाइव स्ट्रीमिंग ओनली. एंड लाइव स्ट्रीम हमें क्यों जाना है? जब हम स्टडीज को देखते हैं तो ये पता चलता है कि जब आप लाइव वीडियो डालते हो तो 10% ज्यादा एंगेजमेंट आता है. यानी आपने वीडियो डाला, आपने पिक्चर डाली तो एक व्यू आ गया, लाइव करोगे तो 10 व्यू आएंगे 100 में से. तो दिस इज द एवरेज, 10% हायर एंगेजमेंट.
देन जब कंज्यूमर सर्वे करते हैं तो ये पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा 80% कंज्यूमर यानी 100 में से 80 लोग वीडियो प्रेफर करना, वीडियो देखना प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू उन्हें कुछ ब्लॉग पढ़ना पड़े या कुछ टेक्स्ट पढ़ना पड़े. तो इट्स अबाउट द यूजर कन्वीनियंस. हम ऐसे नहीं कर सकते, नहीं मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ लाइव आने के लिए तो जो होगा देखा जाएगा. नहीं, मार्केट ऐसे नहीं चलता है. मार्केट चलता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए. कंज्यूमर को ये चाहिए तो उनको वहीं दे दो. और आज के टाइम में जो कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छा लगता है कि जब लोग लाइव कंटेंट या वीडियो कंटेंट पोस्ट करते हैं तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो कंटेंट एंड स्ट्रीमिंग करना है अपने बिजनेस के लिए. एंड जब हम वॉचिंग ड्यूरेशन की बात करते हैं, एंगेजमेंट की बात करते हैं, इवन जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने स्किन केयर पे कोई वीडियो बनाया, उस पे भी उतना आपको ज्यादा एंगेजमेंट नहीं आता जितना आपको एक लाइव स्ट्रीम पे आ जाता है. लास्ट मंथ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उनके पेज पे जब वो लाइव गए तो 1200, 2000, 3000, इवन 46, 4700 व्यूज चले गए थे उनके वीडियो के. Why? Because live content is interactive, it is the most credible form of content and people prefer watching something like that. Okay? And ये मैंने बहुत पहले भी कहा है कि जैसे traffic, जितना भी traffic यानी जितने भी clicks drive होते हैं to some like you know external resource जिसको हम traffic कहते हैं, 80% again सारा live video से आ जाएगा. Facebook ने ad को या बाकी चीजों को थोड़ा सा development कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा lag करा उस चीज को. And they have also started working on focusing on live stream. तो अगर आप देखोगे जो Facebook का नया live है जिसका मैं अभी आपको demo भी दे दूंगा कि आप live कैसे जा सकते हो profile से और page से और आपको live के लिए क्या क्या चीजें करनी है जो बहुत important है. Most of the times हम छोटी छोटी चीजें बोलते हैं भूलते हैं, then we do not get to like you know have better engagement या ज्यादा लोग हमारे live stream पे नहीं आते हैं. तो क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, I'll tell all of it, okay? Now benefits क्या है? सबसे बड़ा benefit ये है कि आपको face to face नहीं मिलना है, but again it is as impactful जैसे कि आप बिल्कुल सामने हो और उनसे बात कर रहे हो. Okay, so that is one major benefit. दूसरा, lead generation के लिए बहुत important है. मैं आपको कुछ ideas भी दे दूंगा कि आप live streaming से lead generation कैसे कर सकते हैं. Okay, then बहुत easy है कि आप अपनी मैसेज को आउट कर सकते हो टू लॉट ऑफ पीपल. मे बी आपके लाइव पे 200 लोग आ गए तो उनको इजीली पता चलता है कि आप क्या करते हो या आप किस बारे में बात कर रहे थे. और वो जो लोग हैं, क्योंकि इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन राइट, तो अगर उनका कुछ कमेंट है, उनका कुछ फीडबैक है, तो वो रियली आपको रियल टाइम में आपको कमेंट में मेंशन करते हैं, तो रियल टाइम इंटरेक्शन हो जाती है. एंड देन लाइव अगेन आप घर बैठे कर सकते हो, आप अपने मोबाइल डिवाइस से कर सकते हो, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपका लाइव स्ट्रीम जो है वो बेटर क्वालिटी का हो तो आप कुछ गैजेट्स में फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ट्राईपॉड हो गया, एक माइक हो गई, एंड ऑल्सो लाइक यू नो मे बी यू नीड टू क्रिएट अ रियली नाइस बैकग्राउंड सो दैट इट लुक्स अट्रैक्टिव, इट लुक्स लाइक यू नो इंस्पायरिंग. तो इन चीजों पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, बट इट्स नॉट टू मच, बट अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी. देन रिपर्पज कंटेंट होता है. जब आप लाइव चले जाते हो फेसबुक पे तो आप उस चीज को पब्लिश भी कर सकते हो राइट. तो आप उस कंटेंट को, जैसे आप पेज पे लाइव चले गए, आपने उसको पब्लिश कर दिया तो आपके पेज पे भी चला गया. और अगर आपका लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छा है तो आप उसी लाइव स्ट्रीम को प्रमोट भी कर सकते हैं टू योर टारगेट ऑडियंस. एंड जैसे मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी इतना इंपॉर्टेंट टूल नहीं है क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए जितना आपका लाइव स्ट्रीमिंग है. तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट अगर हमें अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपने बिजनेस के लिए एक वैल्यू क्रिएट करना है. लेकिन अभी हम क्यों कह रहे हैं, जैसे मैं अभी आज के टाइम में हम लाइव स्ट्रीमिंग की इतनी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड वो खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, क्वारंटीन में हैं, लॉकडाउन में हैं. तो जितना लोगों में सेंस ऑफ कम्युनिटी आज के टाइम में स्ट्रांग है, इतना पहले कभी नहीं था. और अगर हमारे पास कोई ऑप्शन है गेट टुगेदर करने का, ऑनलाइन सेलिब्रेट करने का, ऑनलाइन कुछ चीज चेरिश करने की, there's nothing better than live events. आप जैसे आपने देखा होगा, आप watch parties कर सकते हैं, you know, you can host a watch party as well, जहाँ पे आप live में अपने दोस्तों को भी बुला सकते हो, आओ मेरे साथ join करो, ये चीजें देखते हैं. So Facebook is also coming with very interactive like you know set of tools and additional resources जिनके basis पे आप easily engagement बढ़ा सकते हो. तो क्या क्या reasons हैं? First, customers आपसे face to face नहीं मिलना चाहेंगे. One, they cannot come out of their homes, घर से बाहर नहीं आ सकते, right? और दूसरा, कोई भी risk नहीं लेना चाहता आज के time में, right? So
लाइव स्ट्रीम एक ऐसा तरीका है जहां पे आप लोगों को ऑनलाइन मिल सकते हो एंड इट कैन बी एज इम्पैक्टफुल एज योर फेस टू फेस मीटिंग्स. देन लोग घरों में हैं लेकिन उनको फिर भी टच में रहना है, उनको एक सोशल कनेक्ट चाहिए एंड आप अपना वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो. आज के टाइम में लाइक यू नो जो हाइजीन है, हेल्थ केयर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तभी अगर आप लाइव स्ट्रीम जाओगे कल को और आपने फॉर एग्जांपल लाइक यू नो ओरिफ्लेम बेथ एंड बॉडी को लेके यू स्टार्टेड गोइंग लाइव एंड टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो क्या क्या बेथ एंड बॉडी प्रोडक्ट्स है हमारे पास, आप मिल्क एंड हनी क्यों रिकमेंड करते हो, आप फॉर एग्जांपल हेयर एक्स क्यों रिकमेंड करते हो, हमारे पास फॉर एग्जांपल लाइक यू नो जो एक्सफोलिएटिंग क्रीम्स है वो आप क्यों रिकमेंड करते हो, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे. तो जो भी हमारे पास हाइजीन या सेल्फ सैनिटाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छा टाइम है आपके पास. या तो आप इंटरेक्टिव वीडियो थ्री उनको प्रमोट करो या लाइव आके डिमॉन्स्ट्रेशन दे दो एंड यू नो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट लाइक यू नो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं. ओके, नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दिस. आज के टाइम में अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा सेज दैट पूरे दिन में इंडिया में एटलीस्ट मिलियंस ऑफ जॉब्स आर बीइंग लॉस्ट. हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, बट इट्स ट्रू. बहुत सारी कंपनी ने ऑलरेडी सैलरी अप टू 50% कम कर दी है लोगों की. बहुत सारी कंपनीज ने ऑलरेडी एट्रिशन शुरू किया है, दे हैव स्टार्टेड किकिंग आउट पीपल. ओके, एंड वी आर एट द मिडल ऑफ सम क्राइसिस. लेकिन इस क्राइसिस में अगर कोई इंडस्ट्री बूम करेगी दैट विल बी द कंट्री यू नो जो ऑनलाइन और विद सम स्लाइट इंटीग्रेशन ऑफ ऑफलाइन काम करेंगे. तो अगर आप देखोगे जो भी वर्क फ्रॉम होम है, जो भी लाइक यू नो ऑनलाइन बिजनेस है, जो भी ऑनलाइन करियर है, आज के टाइम में बूम पे है. लोग कन्वेंशनल जॉब्स को छोड़ के इन चीजों की तरफ आ रहे हैं. पर डे मिलियंस ऑफ जॉब्स आर बीइंग लॉस्ट. और आज के टाइम में अगर आप वर्क फ्रॉम होम को लेके, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके, करियर अपॉर्चुनिटी को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कैंपेन चलाओगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की लीड्स आ जाएंगी. एंड आई वॉज टॉकिंग टू कपल ऑफ लीडर्स यू नो वीकेंड पे एंड दे वर लाइक यू नो आजकल तो हमारे पास खुद ही कॉल्स आती हैं, मैम हमने आपका वर्क फ्रॉम होम देखा एंड यू नो पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट, क्योंकि वो आपको डिस्कवर कर पा रहे कहीं से. नाउ अगर आप प्रॉपर कॉन्टेंट स्ट्रीम के थ्रू, प्रॉपर प्लान के थ्रू लाइव करेंगे, अपने कॉन्टेंट को प्रमोट करेंगे, एड चलाएंगे, तो आप देखो आप कितनी अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए. ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी हेल्थ केयर विल बी इन फोकस और हमारे पास इतनी अच्छी वेलनेस यू नो कैटेगरी है. आप लाइव आ जाओ, वेलनेस को लेके बात करो. लास्ट मंथ भी लाइक यू नो लॉट ऑफ लीडर्स वेंट लाइव फॉर देयर वेलनेस. बहुत अच्छा फीडबैक रहा, बहुत ज्यादा एंगेजमेंट रहा एंड आप टॉपिक डिसाइड कर सकते हो. जैसे लाइक यू नो आपने पेज पे एक लाइव किया, आप रूटीन की बात कर सकते हो. जैसे अपनी पूरी फैमिली के लिए मैं आपको एक वेलनेस रूटीन, आप एक मैप बना लो, ये आपका वेलनेस रूटीन है. आप इम्यूनिटी की बात कर सकते हो, राइट. आप बच्चों के लिए शेक्स की बात कर सकते हो. आप देखो आप कितनी मदर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो. अगर आप कहोगे कि फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक यू नो द ओनली वेलनेस रूटीन यू नीड फॉर योर किड्स, आप कितनी अट्रैक्टिव शेक्स बना सकते हो, स्मूदीज बना सकते हो वेलनेस यू नो प्रोडक्ट से, वो इजिली अट्रैक्ट हो जाएंगे. नाउ टुमारो आप एक लाइव कर रहे हो और आपने उस लाइव को लेके इवेंट क्रिएट किया है, आपने मदर्स को टारगेट किया है कि आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाओ विद रियली फन एंड इंटरेस्टिंग शेक्स, वो इमिजिएटली इंटरेस्ट हो जाएंगे ऐसी चीजों में. लेकिन अगर आप उनको कहोगे ओरिफ्लेम का शेक ले लो, ओरिफ्लेम का शेक ले लो, वो नहीं ले लेंगी. अगर आप देखोगे इट्स जस्ट अ मेथड ऑफ परसेप्शन, आप उस चीज को कैसे प्रमोट करोगे. ओरिफ्लेम का शेक नहीं बेचना है, हमें रिकमेंडेशन बेचनी है कि ये शेक क्यों लेना है, राइट. सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सो दैट इज व्हाट सोशल सेलिंग इज. ऑफ कोर्स मैं आपको अगले महीने इंशाल्लाह इस पे लाइक यू नो ट्रेन करूंगा काफी अच्छे से. बट हैव अभी से योर माइंड इनटू दैट डायरेक्शन की इम्यूनिटी की बात करनी है, सैनिटाइजेशन की बात करनी है, वेलनेस की बात करनी है, यू नो वेलनेस रूटीन फॉर लाइक यू नो फैमिलीज की बात करनी है. अभी आई टॉक टू दिस लीडर हु बिकेम अ मॉम रिसेंटली एंड इट वॉज सो नाइस टॉकिंग टू हर. उन्होंने अपना पूरा लाइव प्लान किया है कि मैं अब मदर्स के लिए यू नो लाइव जाऊंगी एंड मैं मदर्स के लिए सीरीज क्रिएट करूंगी कि उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे किन किन चीजों का ख्याल रखना है एंड आफ्टर प्रेगनेंसी उनका डाइट कैसा होना चाहिए, वो वेलनेस उनको कैसे हेल्प कर सकता है. तो आप देखो कितनी यू नो एक्सपेक्टिंग मदर्स होंगी या कितनी ऐसी मॉम्स होंगी हु आर लाइक यू नो हु हैव
डिलीवर्ड रिसेंटली, उनके लिए कितना अच्छा कॉन्टेंट है ये. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट फिगरिंग आउट दैट डायरेक्शन वी वॉन्ट टू गो इन टू. और बाकी पोटेंशियल अनलिमिटेड है, आपका कॉन्टेंट लाखों लोगों तक पहुंचेगा और लाखों में से 10% तो इंटरेस्ट होंगे आपके कॉन्टेंट में. अगर हम इंडस्ट्री का एवरेज भी लेते हैं, 10% लोग तो इंटरेस्ट होंगे ही होंगे आपके कॉन्टेंट में. लेकिन अगर आप सिर्फ कैटलॉग पुश करोगे और ओरिफ्लेम पुश करोगे और लोगों तक कोई वैल्यू कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप स्ट्रगल करोगे और आपको लगेगा कि यू नो व्हाट इज दैट आई एम डूइंग रॉन्ग, मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे. सो प्लीज चेंज योर अप्रोच. ओके, नाउ लाइव स्ट्रीम हमने बहुत बार बात करी है कि ये ब्रॉडकास्ट होता है जो हम अपने सोशल नेटवर्क पे कर सकते हैं या ऑनलाइन टूल्स भी है, जैसे आपके पास पेरिस्कोप है, देर आर लॉट ऑफ अदर लाइव यू नो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एज वेल, बट प्राइमरीली हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है सोशल मीडिया. और आप यूट्यूब पे लाइव कर सकते हैं, फेसबुक पे भी लाइव कर सकते हैं, बोथ अपने प्रोफाइल पे भी, अपने पेज पे भी, आप अपने ग्रुप में भी लाइव जा सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पे भी लाइव कर सकते हैं. राइट, नाउ आप लाइव कहाँ पे जाएंगे? ऑफ कोर्स आप लाइव सिर्फ वहीं पे जाएंगे जहां पे आप अच्छा प्रेजेंट करते हो. यानी अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं तो आप इंस्टाग्राम पे लाइव चले जाओ. अगर आपके पास यूट्यूब पे समझो कि 10,000-15,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे कुछ लीडर्स के पास 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, तो ऑफकोर्स आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करोगे. राइट, और जिनको आप पास फेसबुक पे बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आता है, आप फेसबुक पे करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि लेकिन अब एक चीज है, जैसे फेसबुक में अगर हम ऑफलाइन लाइव करते तो हम किसी के घर पे करते या हमने कोई वेन्यू बुक किया है, वहां पे हम एज अ टीम भी लाइव कर सकते थे. लेकिन आज के टाइम में अगर आप देख रहे हो, फेसबुक पे आप सिर्फ एक पर्सन लाइव जा सकता है, तो आप अपने साथ किसी और को लाइव पे नहीं ले सकते. राइट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. पहले ये फीचर था फेसबुक के पास, दो लोग लाइव में आ सकते थे, लेकिन वो फीचर अभी फेसबुक ने हटा दिया है फ्रॉम कपल ऑफ इयर्स नाउ. तो अभी फेसबुक पे आप सिर्फ सोलो लाइव जा सकते हैं. ये बहुत लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू क्लियर इट अप कि फेसबुक पे आप सिर्फ अकेले लाइव जा सकते हैं, आपके साथ दूसरा बंदा लाइव जा नहीं सकता. ओके, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप दो लोग लाइव जा सकते हो. इंस्टाग्राम पे आपके पास ऑप्शन आता है, तो आपका जो भी कमेंट्स में जो भी लोग आपको वहां पे कमेंट करते हैं, वहां पे ऑप्शन आता है कि इनको इनवाइट करो टू ज्वाइन योर ब्रॉडकास्ट, और जो ही वो वहां पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका लाइव ज्वाइन हो जाते हैं. लेकिन फेसबुक में ये वाला प्रोविजन नहीं है, सो प्लीज बी केयरफुल ऑन टू दैट फ्रंट एज वेल. कल को, क्योंकि ये चीजें हो जाती हैं, तभी मैं कह रहा हूँ फिर से. जस्ट लास्ट वीक ऑनली किसी लीडर ने कहा, उनका लाइव था, उनके साथ कोई और भी लाइव जा रहा था, देन शी इज कॉलिंग मी, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा. सो दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड. पहले से पता होना चाहिए और पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब आपने डिसाइड किया कि आप कहाँ पे लाइव स्ट्रीम करोगे, ओके, देन ऑफ कोर्स कहाँ पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं या यूट्यूब पे कर रहे हैं, उसके बाद हमें पूरा पता होना चाहिए कि हम ये लाइव किस बारे में कर रहे हैं. क्या हम लोगों को किसी प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहे हैं, या उनके साथ कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. राइट, वी नीड टू हैव अ वेरी मच क्लैरिटी ऑन टू इट, किस बारे में है. आप दो तीन टॉपिक्स को मिक्स मत करो. प्रोडक्ट नॉलेज है, यानी फॉर एग्जांपल आप ओमेगा के बारे में बताना चाहते हो, तो यू हैव क्रिएटेड अ नाइस टॉपिक, बट आप डायरेक्टली नहीं कहोगे लाइव स्ट्रीम अबाउट ओमेगा. राइट, उनको थोड़ी पता है कि लाइक यू नो व्हाट एसबीसी इज, व्हाट लाइक यू नो वेलनेस रूटीन इज, ऐसे. राइट, तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में बात मत करो. जैसे मैंने अभी कहा था, ट्राई टू हैव अ टॉपिक जो लोगों के साथ कनेक्ट हो जाए. एक्सपीरियंस शेयरिंग, जस्ट लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल आपने इतना ज्यादा कंट्रीज विजिट करी है, यू वॉन्ट टू टेल पीपल लाइक यू नो हाउ ग्रेट इट वॉज विजिटिंग ऑल दोज प्लेसेस. और अगर आपके पास लाइक यू नो पिक्चर्स हैं तो आप उनको शोकेस भी कर सकते हो. इनफैक्ट आई नीड टू चेक फॉर दैट पॉसिबिलिटी. फेसबुक में हमारे पास ऑप्शन भी आता है, आप अपना पीपीटी भी शेयर कर सकते हो जब आप लाइव जाते हो. तो कल को अगर आपने ट्रैवल को लेके लाइव चले गए, तो आप लोगों को अपना स्लाइड दिखा सकते हो, जहां पे वो देखेंगे वो आप तो सच्ची में. एंड यू कैन टेल पीपल आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऑफ विच यू हैव ट्रैवल टू दीज मेनी कंट्रीज. और जितने भी लोग ट्रैवल में इंटरेस्टेड है, आप उनको टारगेट करोगे, उनके लिए डेफिनेटली इंसेंटिव है, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू ट्रैवल अराउंड द ग्लोब. या अपॉर्चुनिटी को लेके, एंड अपॉर्चुनिटी को लेके भी आप बहुत ज्यादा टाइप के लाइव कर सकते हो. इट इज टोटली लाइक यू नो अप टू यू. जैसे आप क्या डायरेक्टली सक्सेस प्लान के बारे में बात करना चाहते हैं, आप लोगों को एक डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म की बात पे लाइक यू नो अट्रैक्ट करना चाहते हैं,
क्या आप लाइक यू नो टेस्टिमोनियल शेयर कराना चाहते हैं लोगों से जो आपकी टीम का पार्ट है. सो देर आर लॉट ऑफ वेज आप अपॉर्चुनिटी को भी प्रमोट कर सकते हो. ओके, देन ऑफ कोर्स ओपन और इनवाइट ओनली. जैसे अभी क्या होता है, जैसे आप लाइव प्लान करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है, ये लाइव सबके लिए है या आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप को इनवाइट करना चाहते हो, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है. जैसे आप प्रोफाइल से जब लाइव सेट करते हो तो आप देख सकते हो आप कुछ सिर्फ एक ग्रुप के लिए भी लाइव जा सकते हो, या अगर आपका फेसबुक ग्रुप है स्पेसिफिक आप उसी ग्रुप में भी अलग से लाइव जा सकते हो. और दूसरा होता है इनवाइट ओनली, जैसे आप सिर्फ हाँ स्पेसिफिक ग्रुप्स को इनवाइट करोगे. ओपन होता है मतलब सबके लिए, या तो अपने सारे दोस्तों के लिए या आपने पेज पे कर लिया तो सबके लिए, राइट. सो यू हैव ऑप्शंस फॉर दैट एज वेल. एंड सेल्फ और इन अ जॉइंट कोलैबोरेशन विद टीम, यानी अकेले कर रहे हो आप या आपके साथ टीम है आपकी, तो ये सारी चीजें सबसे पहले डिसाइड करनी है. जस्ट चार्ट डाउन ऑल द पॉइंट्स जो नेसेसरी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं किस डेट पे लाइव जाऊंगा, मेरा टॉपिक क्या होगा, मेरा लाइव कितने ड्यूरेशन का होगा, मुझे किस चीजों पे फोकस करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस लाइव से. इट्स इंपॉर्टेंट टू प्लान. जस्ट आस्क योरसेल्फ ऑल दीज क्वेश्चंस. आप देखोगे कि आपका लाइव 15 मिनट्स का बहुत इंटरेक्टिव रहा और आपको बेटर रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट यू नो गोइंग विद अ पॉजिटिव इंटेंट एंड विद अ प्रॉपर प्लान. बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो जब हमने ये डिसाइड किया उसके बाद वी नीड टू गेट स्टार्टेड. जैसे हमने अभी बात करी थी कि किन के लिए है लाइव स्ट्रीम. यूजुअली हम टीम के लिए लाइव नहीं जाते हैं अपनी, बट लाइक यू नो जैसे आप क्लोज ग्रुप में भी लाइव जा सकते हैं, उसमें आप स्पेशल टीम को बुला सकते हैं. बट अगेन आई विल रिकमेंड कि टीम के लिए आप वेबिनार यूज करो. एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, यानी अगर आपके पास फेसबुक पेज पे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, यानी लाइक्स हैं आपके पास फेसबुक पे या जो आपका वहां पे कम्युनिटी है, तो उन तक पहुंच जाएगा आपका लाइव. लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप लाइव को लेके काफी अच्छा बज क्रिएट करना बहुत जरूरी है. यानी अगर मैं समझो कि 10th तारीख को लाइव कर रहा हूँ, इमेजिन आई एम गोइंग लाइव ऑन 10th एंड आई वांट टू टॉक अबाउट डिजिटल टूल्स, यू नो टॉप डिजिटल टूल्स फॉर 2020 एंड आई एम टेलिंग पीपल, हे गाइस प्लीज आप मेरा लाइव ज्वाइन करो जो कि मैं 15th को 10th को कर रहा हूँ, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट टॉप डिजिटल टूल्स जो आपके बिजनेस में हेल्प करेंगे. जब तक इसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, लोगों को कैसे पता चलेगा. तो कुछ चीजें बहुत जरूरी होता है देना. अगेन दिस प्रॉब्लम हैपेंड विद लॉट ऑफ लीडर्स. उन्होंने क्या करा था, उन्होंने क्रिएटिव बनाया था और उन्होंने ऐसे भेजा था, उसमें वो वाइटल डिटेल यू नो रखना भूल गए. जैसे उन्होंने अपने, अगर वो प्रोफाइल पे जाते हो तो आपको प्रोफाइल का लिंक देना है, आप पेज पे लाइव जाओगे तो आपको लोगों को पेज का लिंक भी साथ में देना है, आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हो तो इंस्टाग्राम का लिंक देना है. अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल कोई लाइव जा रहा है, मुझे थोड़ी पता है कि यार उनका फेसबुक क्या है. फॉर एग्जाम्पल चारू शर्मा इज गोइंग लाइव, मैंने देखा कहीं पे, अगर आप वहां पे लिंक नहीं दिया है तो फिर मैं आपके फेसबुक प्रोफाइल पे या आप कहाँ लाइव जा रहे हो मुझे थोड़ी पता चलेगा. आप अपने इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, आप अपने पेज पे जा रहे हो, और अगर आप पेज पे जा रहे हो तो आपके पेज का लाइव लिंक क्या है. तो ये चीजें बहुत देना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी स्टार्ट ऑल्सो लीड्स लाइक यू नो क्या मतलब. अब आज के टाइम में लॉट ऑफ पीपल माइट बी लुकिंग फॉर सैनिटरी यू नो प्रोडक्ट्स, लॉट ऑफ पीपल माइट बी लुकिंग फॉर यू नो से हाइजीन प्रोडक्ट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स. तो क्या प्रोडक्ट को लेके लीड्स लेके आए, या फिर जो इनकम पाना चाहते हैं घर से, जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी सीख कर सकते हैं. तो वी नीड टू फिगर आउट दैट, और हम किसी भी तरीके की लीड जनरेट कर सकते हैं. एंड वी नीड टू फिगर आउट कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने अभी कहा था. ओके, तो इसमें दो चीजें हैं, जैसे नॉलेज शेयरिंग है इज बेसिकली प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल हियर इज, अभी आप बता सकते हो फॉर एग्जाम्पल हियर इज हाउ टू कीप योर स्किन लुकिंग ग्रेट, और फॉर एग्जाम्पल टॉप फाइव स्किन केयर टिप्स ड्यूरिंग लॉकडाउन. नाउ इमेजिन आप ऐसा वेबिनार करो, आप ऐसा लाइव स्ट्रीम करोगे, तो लॉट ऑफ पीपल who are concerned about their skin and all, and lockdown ki wajah se they cannot go to parlors, they are running out of like essentials, they unke paas koi routine nahi hai, to wo immediately kahenge okay this is a really nice topic, mujhe jana chahiye, because this person you know says that she is a beauty and wellness coach and she is going live, so it's very important ki main inka live dekhu, maybe what her recommendations are, right. Similarly like you know wellness routine, या फिर लाइक यू नो ये ओरिफ्लेम प्रोडक्ट मैं आपको क्यों रिकमेंड करती हूँ. तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ टॉपिक विच यू डिसाइड अपॉन. देन ऑफ कोर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं आइडियली लाइक यू नो विच इज इन ट्रेंड राइट नाउ, तो जैसे आप एक्स्ट्रा इनकम जो ढूंढ रहे हैं, आई कैन हेल्प यू दिस इन दिस लाइव, मैं आपको बता दूंगी कि आप घर से कैसे अर्न कर सकते हैं.
आपने एक अच्छा क्रिएटिव बनाया कैनवा पे, आपने कुछ ग्रुप्स में उस कैनवा उस टीजर को पोस्ट किया, आपने पेज पे एक अच्छा इवेंट क्रिएट करके उस इवेंट को प्रमोट किया, आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस चीज को प्रमोट किया, ऑटोमेटिकली ऑडियंस आएगी ही आएगी. नाउ इमेजिन आई एम नॉट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, माय लाइफ विल नॉट हैव इंपैक्ट. ओके, क्या आप चाहते हो कि आप कहीं भी कभी भी कैसे भी काम करो ऑनलाइन, आप मेरा लाइव ज्वाइन करो एंड मैं आपको सिखा दूंगी हाउ टू डू ऑल ऑफ दैट. देन मे बी कल को मैं लाइव जा रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 टॉप सक्सेसफुल वुमेन इन माई टीम, तो आई कैन यूज इट एज अ रिक्रूटमेंट टूल एज वेल. हे गाइस, लाइक यू नो, मैं आपको 3 स्ट्रॉन्ग लीडर्स की स्टोरी बताऊंगी हु बिकेम से लाइक यू नो मिलियनर्स, हु अर्न दिस मच और हु आर एंजॉयिंग दिस मच ऑफ लाइफस्टाइल बिकॉज दे आर डूइंग ऑनलाइन वर्क विद मी. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट परसेप्शन कि हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं. नाउ लाइव में कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक नोट ऑफ ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स. हमेशा जब आप लाइव शुरू करते हो तो पहले से शुरू मत हो जाओ, जैसे मैं लाइव गया एंड आई स्टार्टेड विद माई टॉपिक. नहीं, पहले थोड़ा सा वेट करना होता है बिकॉज यू नो लोग थोड़ा टाइम लगाते हैं ज्वाइन लाइव आने में. तो पहले 1-2 मिनट जो आपके हैं दैट शुड बी जस्ट लाइक यू नो, हे गाइज, ओके, थैंक यू सो मच. Now, for example, like, you know, अगर मैं अभी लाइव कर रहा हूँ तो देर आर पीपल ज्वाइनिंग इन, तो मैं उनका नाम लूंगा. ओके मनीषा, थैंक यू सो मच, राइट, यू नो, फॉर ट्यूनिंग इन. ओके सुश्री इज हियर एज वेल. हे हाय प्रांशी, हाउ आर यू डूइंग. तो स्टार्टिंग में ना ऐसे शुरू करना चाहिए दैट यू आर यू नो टेलिंग, यू आर टॉकिंग टू पीपल, जब तक आपका थोड़ा सा ऑडियंस आने लग जाता है. राइट, इट्स इम्पॉर्टेंट, डू नॉट स्टार्ट राइट अवे विद योर टॉपिक. ओके, जब आपको लगेगा कि ठीक है 1-1.5 मिनट हो गया, देन यू नो be confident, have a happy and smiling face, be dressed nicely, have a nice background. ये सारी कुछ basics हैं, but of course be confident and tell people, hey, thank you so much for tuning into my live event. और आज like you know next 15 minutes ये भी बता दो लोगों को कितने duration का करोगे, so that they have an idea. Otherwise किसी को लगेगा यार ये पता नहीं कब तक live करेंगे and they might you know just leave. So it's important to like, you know, tell people कि ठीक है, for next 15 minutes, I'll just tell you some important things जो आप अपनी skin care के लिए कर सकते हैं during the lockdown, right? So tell them what you are going to talk about. And of course, questions and answers आप end में ले लोगे, maybe just, क्योंकि अब keep them asking, okay, अगर I'm sure like, you know, you might have some questions, या अभी आपका क्या routine है skin care का, आप मुझे comment में बता सकते हैं. And reply to these comments later as well, जब आपका live खत्म हो जाता है. एंड जब आप क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आ जाते हो, जस्ट टेक 3-4 इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको आंसर करो. ओके, एंड आफ्टर यूर लाइव इज डन, जितना भी लाइव ये आ चुके हैं, कमेंट आ चुके हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनको भी रिप्लाई करो. एंड देन जस्ट ट्राई टू स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन एंड फिगर आउट क्या उनको प्रोडक्ट की जरूरत है, क्या उनको कंसल्टेशन की जरूरत है. ओके, एंड देन second thing is, for example, if we need to again figure out a purpose, then you introduce yourself, right? So we have to introduce ourselves. We need to tell people why I'm here today, why, what is my objective of coming line. So agar main opportunity ko leke kar raha hu, to of course I can start something like, you know, with my personal story. Jaise bhi jab bhi main recruitment ki baat karta hu, chahe main recruitment template ki baat karu ya om ki baat karu, it's always important to start with like personal story. To jo bhi aapka लाइव है, ट्राई टू जस्ट क्रिएट अ स्टोरी अराउंड इट, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके है. व्हाई डू आई रिकमेंड यू दिस, जैसे लाइक यू नो मेरा रीजन ओरिफ्लेम ज्वाइन करने का, या मेरा रीजन लाइक यू नो हाउ डिड आई बिकम अ स्किन केयर कोच, बिकॉज मेरी खुद की स्किन बहुत खराब हो रहा करती थी एंड आई ट्राइड सो मेनी प्रोडक्ट्स बट नथिंग इवेंचुअली वर्कड आउट फॉर मी. बट वन फाइन डे लाइक यू नो आई मेट दिस पर्सन जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, आई वॉज स्केप्टिकल, लेकिन जो ही मैंने थोड़ा ट्राई किया 1 महीने के लिए, आई कुड फिगर आउट यू नो द डिफरेंस एंड देन आई बिकम लाइक यू नो वेरी कमिटेड एंड वेरी डेडिकेटेड कस्टमर. बट देन आई फिगर्ड आउट ओके आई कैन टेक इट एज अ फुल टाइम करियर एज वेल. और आज के टाइम में आई हैव सो मच ऑफ बिजनेस, आई हैव सो मच ऑफ लाइक यू नो पीपल वर्किंग विद मी एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक टू अबाउट टुडे. सो इट्स ऑलवेज यू नो आइडियल टू गिव पीपल अ नाइस इंट्रो, अ स्टोरी काइंड ऑफ थिंग, सो दैट दे गेट टू नो यू बेटर. अगर आप ओरिफ्लेम की डायरेक्टली बात करना चाहते हो कि लाइक यू नो व्हाई टू ज्वाइन ओरिफ्लेम, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. मे बी लॉट ऑफ पीपल वांट टू ज्वाइन ओरिफ्लेम एज वेल, लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको लगता है कि ओरिफ्लेम है तो सिर्फ सेल करना है.
okay, for example, how to be successful in Oriflame. Now, a lot of people might find it very attractive topic, right? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद पहले Oriflame ट्राई किया था बट उनको सक्सेस नहीं मिली. दे सेड नहीं, ये तो लाइक यू नो बेकार है या मुझसे नहीं होगा, राइट? दीज आर द प्राइमरी रीजंस पीपल गिव. नाउ यू हैव अ रियली नाइस यू नो इंटरेक्टिव लाइव कमिंग अप जहां पे आप लोगों को बताते हो कि Oriflame में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं. तो आपने एक अच्छी स्क्रिप्ट बना रखी है कि आप सक्सेसफुल कैसे हुए, आपने क्या चैलेंज फेस किए और आप उनको हेल्प कैसे कर सकते हैं अगर उनको Oriflame ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके पास सिस्टम है, आपके पास टूल्स हैं, आपके पास पीपल है, राइट? दे माइट चेंज देयर माइंड, वो इंटरेस्ट हो जाएंगे Oriflame ज्वाइन करने में. एंड दैट इज अगेन समथिंग जो बहुत सारे लोगों को करना चाहिए आज के टाइम में, दैट यू टेल पीपल फॉर एग्जाम्पल हाउ टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग विद Oriflame. इज नो हार्म, आप कर सकते हो एंड इट डज नॉट गो अगेंस्ट द गाइडलाइंस एज लॉन्ग एज यू कमिट समथिंग जो कि हमारे सक्सेस प्लान में नहीं है, या आप कोई ऐसी चीज बोलते हो जो हम एज अ कंपनी यू नो प्रॉमिस नहीं करते. ओके, अगेन अ वेरी नाइस टॉपिक आज के टाइम में जहां पे आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अलग से टॉपिक डिसाइड कर सकते हो और आप डायरेक्टली Oriflame को लेके भी यू नो अच्छा सा लाइव स्ट्रीम प्लान कर सकते हो. ओके, देन ऑफ कोर्स जो भी आपका प्रपोजिशन है, जैसे स्किन केयर की बात करते हो तो ऑफ कोर्स टेक देम थ्रू दैट प्रपोज्ड रूटीन वी वर टॉकिंग अबाउट. बिजनेस अपॉर्चुनिटी, टेल देम लाइक यू नो व्हाट अपॉर्चुनिटी और हाउ टू सक्सीड, व्हाट इज द आइडियल वे टू डू इट. एंड यू नीड टू जस्ट क्रिएट वैल्यू, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट. जैसे मैंने पहले कहा था, लाइव जो है वो क्रेडिबल होता है और वो इजिली अट्रैक्ट हो जाएंगे. मैं आपको बीच बीच में आइडियाज दे रहा हूँ टॉपिक्स के, वट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू जो सीरियस है, आप थोड़ा टॉपिक्स को नोट डाउन करो एंड मे बी इफ यू वॉन्ट टू रीच आउट टू मी पर्सनली फिर कि सफीर वी आर प्लानिंग दीज टू टॉपिक्स, हाउ डू यू थिंक लाइक यू नो वी कैन गो अबाउट इट. इफ टाइम अलाउज वी कैन हैव अ डिस्कशन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान टॉपिक्स. आइडियली आज के टाइम में आपको हर वीक एक बार लाइव करना चाहिए. फ्राइडे, सैटरडे, संडे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आता है शाम के टाइम में. प्लान टू गो लाइव, यू विल सी कि लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग योर लाइव. नाउ अगर आप पहले से प्लान करते हो लाइव, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक ऑफ मई आप शाम फ्राइडे को लाइव करोगे, सेकंड फ्राइडे भी आप लाइव जाओगे, तो मे बी आपने फ्राइडे डिसाइड किया लाइव के लिए, या एक वीक में फ्राइडे, एक वीक में सैटरडे, ऐसे कुछ, राइट? देन डिसाइड द टॉपिक, पहले वीक में हम इस चीज को लेके लाइव जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू सक्सीड इन Oriflame, राइट? नाउ आप क्या करोगे, आपको उस लाइव के लिए एक बज क्रिएट करना है, राइट? हाउ डू यू डू दैट? आप कैनवा में जाओगे, आप काफी अच्छे टेम्पलेट क्रिएट करोगे, फिर आप कुछ लिमिटेड ग्रुप्स में उसके बारे में बात करोगे, आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स में उस चीज को शेयर करोगे, और पेज पे अगर आप लाइव करोगे तो सबके लिए ओपन रहेगा, आप उसको प्रमोट भी कर सकते हो काफी अच्छे से, राइट? तो आप क्या करोगे, आप एक अच्छा इवेंट भी क्रिएट करोगे पेज पे, जहां पे आपने एक अच्छा रिलीव वहीं उसी क्रिएटिव को इवेंट में डाल दिया और वहां पे आपने एक अच्छा इवेंट प्रमोट कर लिया, और उस इवेंट को आप टारगेट सेगमेंट में डाल दो टू वर्किंग पीपल जो आज के टाइम में. नाउ इफ दे सी कि ओके लाइक यू नो मैं तो वर्किंग हूँ लेकिन 2 महीने से आई बीन होम स्टक, कुछ हो ही नहीं रहा है, चलो देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी Oriflame हैज, और आपने उन्हीं लोगों को टारगेट किया. What will happen is that जब आप इवेंट क्रिएट करके उस चीज को प्रमोट करोगे, what will happen is that lot of people will show interest into that event. और जब वो इवेंट के लिए रजिस्टर करेंगे तो आपके पास उनका नाम भी आ जाएगा, आपके पास उनका ईमेल आईडी भी आ जाएगा, आपके पास उनका मोबाइल नंबर भी आ जाएगा. तो आप क्या करते हो, आप अपने लाइव इवेंट के लिए लीड तो ये बस तो क्रिएट कर ही रहे हो, बट by creating an exclusive event about it, आप लीड भी जनरेट करते हो. Now, for example, आपने उस इवेंट को टारगेट किया टू वर्किंग वुमेन, टू कपल्स हु आर लाइक वर्किंग इनटू कंपनीज एंड ऑल. नाउ समझो कि उस लाइव पे आपको 200 लोगों ने इंटरेस्ट किया है, आई एम इंटरेस्टेड जो, तो जिन्होंने भी रजिस्टर किया उस इवेंट के लिए, आपके पास उनकी डिटेल आ गई. नाउ आप उनको व्हाट्सएप एक पर्सनल कम्युनिकेशन भेज सकते, जैसे मैंने रजिस्टर किया, फॉर एग्जाम्पल मनीषा, विवेक एंड मनीषा आर हियर. नाउ फॉर एग्जाम्पल टुमारो विवेक एंड मनीषा आर डूइंग अ वेबिनार अराउंड how to succeed in Oriflame, and I am like an executive and मैं कहता हूँ चलो ठीक है, I registered. जब उनके पास details आ जाएंगी कल को, तो वो क्या करेंगे, और अगर वो समझो कि 10th को live जा रहे हैं तो 9th को वो मुझे एक personal message डालेंगे. Why? Because people forget. Nobody remembers कौन कब live जाने वाला है जब तक उनके पास एक proper calendar नहीं है और उनको notification आ जाए. Recall बहुत important है, and live streaming के लिए जितना important recall है
इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। नो मैटर आप कितना बज क्रिएट करो, लेकिन अगर आपने यूजुअली अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस देखोगे तो वो ये कहते हैं कि जस्ट लाइव स्ट्रीम से 5 मिनट पहले 3 मिनट पहले आपको एक मैसेज डालना चाहिए। आपके पास एक ब्रॉडकास्ट डाल दो, हे गाइज लाइक यू नो इन नेक्स्ट 2 मिनट्स आई एम गोइंग लाइव, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। साथ में अगर आप पेज पे जा रहे हो तो पेज का लिंक साथ में दे दो, तो इमीडिएटली रिकॉल आ जाता है, अच्छा अच्छा वो विवेक एंड मनीष आर गोइंग लाइव टुडे, तो लेट मी सी कि लाइक यू नो व्हाट दिस इज अबाउट। एंड ये करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइव स्ट्रीम्स के लिए, ओके? और जब भी हम लाइव जाते हैं तो वी नीड टू एनकरेज पीपल कि लाइक यू नो वो कन्वर्सेशन ज्वाइन करें, जैसे मैं अभी कह रहा था उनको एड्रेस करो उनके नाम से, उनसे कहो कि लाइक यू नो क्वेश्चन, आस्क देम क्वेश्चंस एज वेल टू स्टार्ट विद, जब तक आपका एक अच्छा खासा बज बना रहे, ओके? अगर आप जैसे अभी आई टॉक्ड अबाउट स्टार्टिंग विद योर स्टोरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कनेक्ट करो, मेक पर्सनल, डू नॉट टॉक अबाउट ऑरिफ्लेम अ लॉट। अगर आप लोगों को कहते हो हाउ टू सक्सीड इन ऑरिफ्लेम, योर लाइव स्ट्रीम कैन नॉट बी अबाउट कि ऑरिफ्लेम एक स्वीडिश कंपनी है, इसको 2 भाइयों ने बनाया था इंडिया में इतने टाइम से, नहीं, मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास राइट यू नो गाइडेंस है, मेरे पास एक प्रॉपर एटीट्यूड है आपको इस बिजनेस में सक्सीड करने का, वो चीज डिस्प्ले करनी है हमें लाइव से, ओके? देन ऑफ कोर्स लाइक यू नो जो भी आपने लाइव प्लान करा है तो बीच में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू जस्ट एनकरेज देम, और आपका लाइव किसी भी बारे में हो सकता है, बट जस्ट ट्राई टू कीप ऑन यू नो ब्रिंगिंग सम फ्लेवर, ट्राई टू क्रैक अ जोक, इट कैन नॉट बी सीरियस ऑलवेज, एंड ऑनेस्टली लाइक यू नो इफ यू आर टू सीरियस एंड पीपल फाइंड इट बोरिंग, वो भाग जाएंगे, सो यू हैव टू कीप अ फन फेस, यू हैव टू बी कुर्की, यू हैव टू जस्ट लाइक यू नो ह्यूमर देम थोड़ा सा, सो दैट उनको जैसे कोई ज्वाइन करता है उनको नाम से बुला के उनको एड्रेस करो, आज आप कैसे हो, यू नो आप लॉकडाउन में लाइक यू नो अभी क्या कर रहे हो आप, जस्ट लाइक यू नो ट्राई टू स्ट्राइक द कन्वर्सेशन एंड पुट यूर बेस्ट यू नो फुट फॉरवर्ड। देन डोज एंड डूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रोडक्ट का लेके करोगे या अपॉर्चुनिटी का लेके, बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे बहुत सारे लोग उन्हें अपडेट करना शुरू किया था पैंडेमिक में कि हमारा जो हैंड वॉश है उससे आपका कोरोना ट्रीट होगा या ये कोरोना को प्रिवेंट करेगा, वी डू नॉट क्लेम एनीथिंग लाइक दैट, एंड दीज आर वेरी सीरियस कोड ऑफ एथिक्स वायलेशंस, और आप पे केस हो जाएगा। तो जो भी क्लेम प्रोडक्ट पे है, जो भी क्लेम आपको ट्रेनिंग में बता दिया गया प्रोडक्ट्स को लेके, जस्ट मेक दोज क्लेम्स ओनली। कोविड को लेके जो भी WHO की गाइडलाइंस है, डू नॉट शेयर एनीथिंग फ्रॉम एनी अनरिलेबल सोर्सेस। अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो टॉक अबाउट इन रियलिस्टिक टर्म्स, डू नॉट, जैसे मैं अभी कह रहा था, डू नॉट टेल देम कि मैं आपको 5 महीने में गोल्ड डायरेक्टर बना दूंगा, राइट? नो, रियलिस्टिक, योर गोल्स हैव टू बी रियल, टेल देम व्हाटएवर लाइक यू नो यू कैन डू फॉर देम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट ऑरिफ्लेम, Of course, हमारे पास टूल्स हैं, यू कैन टॉक अबाउट देम, हाईलाइट ऑल अवर ग्रेट टूल्स, लाइक अभी हमारे पास ऑरिफ्लेम वेबसाइट है, हमारे पास ओला पिक है, हमारे पास लाइक यू नो अदर बिजनेस एप्स हैं, राइट? वी हैव टूल्स विद अस, यूज दोज टूल्स टू प्रमोट योर बिजनेस। लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग विद गुड कॉन्टेंट, हमारे पास सोशल मीडिया लाइब्रेरी है, वहां पर आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट एंड बिजनेस स्पेसिफिक कॉन्टेंट मिलेगा जो आप यूज कर सकते हो, एंड ऑरिफ्लेम कंसल्टेंट्स के लिए वो कॉन्टेंट फ्री है, राइट? Do not overcomplicate, just offer support and direct people to trainings. It means that like, you know, do not try to oversell, do not try to complicate, do not try to mention something जो आपको लगेगा ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए था, इसकी वजह से शायद उनके माइंड में कोई डाउट क्रिएट हुआ हो, ओके? वर्क फ्रॉम होम की बात करो, जैसे जब हम डिजिटल सारपीओ की ट्रेनिंग करते हैं, so we talk about, you know, all these things, work from home, कन्वीनियंस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, अपना बॉस खुद होना, फ्रीडम होना, और आज के टाइम में एक सिक्योरिटी होना जो कि जॉब्स में नहीं है। लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स नो मैटर हाउ गुड दे वेयर एट देयर लाइक यू नो पर्टिकुलर डोमेन्स, क्योंकि जब तूफान आ जाता है ना तब वो नहीं देखता है छोटा बड़ा पेट, एवरी वन लाइक यू नो शेक्स, एंड दैट इज वॉट इज हैपनिंग। लेकिन ऑरिफ्लेम में आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास एक बेटर इनकम डिफरेंशियल है, आपके पास एक लॉन्जिविटी है इस प्लान की पूरी, जो कि आपको नॉर्मल जॉब या नॉर्मल अपॉर्चुनिटीज में हासिल नहीं होती, ओके? ऑफ कोर्स आज के टाइम में डू नॉट टेल पीपल अबाउट द ऑफलाइन इवेंट्स, ऑफलाइन मीटिंग्स, इट शुड बी मोर अबाउट लाइक यू नो बीइंग होम, टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, बट एट द सेम टाइम बी वेरी
very in touch with current trends and technology and start using these times and these tools to promote their business and have a great income for them. And of course, it's not just one way. That's why, like, you know, Beach may humor them. And if there are some questions, so maybe, okay, there's one question coming up. So, main baad mein answer karunga, but this is very relevant. Jaise agar aap usi ke baare mein baat karne wale ho aur aapko aisa question bhi laga, so just take that name. So, you know, just make it two way and listen what people have to say. Don't be seen to capitalize on COVID. This is very, very important. And particularly in reference with COVID, all these guidelines, jo hain, they are very important. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगे अरे यार ये तो देखो वायरस चल रहा है और इन लोगों को बस अपने प्रॉफिट की पड़ी है. देन इट विल गिव देम अ वेरी बैड वाइब अबाउट यू. वो आपको पसंद नहीं करेंगे. मे बी यू आर अ रियली नाइस पर्सन, योर इंटेंशंस आर ट्रू, लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं, दीस पीपल आर जस्ट फोर्सिंग अस टू जॉइन ओरिफ्लेम, दीस पीपल आर जस्ट फोर्सिंग अस टू बाय प्रोडक्ट्स, इनके पास तो इतनी लाइक यू नो बेसिक कर्टेसी भी नहीं है आज के टाइम, एटलीस्ट लाइक यू नो दे शुड बी लिटिल केयरफुल. सो दे विल नॉट treat you nice, they will think that you are bad people, which you are not. I can vouch for that. Okay, so rather nice. Kyun aapko ye karna hai? So talk about, like, you know, in their favor, not something ki abhi to jaise pandemic chal raha hai aur we can make better profit. No, aap requirement ki baat karte hain. Of course, sabse pehle strong wifi. Agar aapka internet connection hi weak hai, no matter aap kitne acche lag rahe ho, no matter aapka content kitna acha hai, वो कन्वे नहीं होगा लोगों तक. एंड पर्सनली आई बिलीव सिर्फ दो चीजें हैं जो हमारी पेशेंस को बहुत टेस्ट करती है. एक, जब हम ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, और दूसरा, जब हमारा वाईफाई बहुत बहुत वीक होता है. दीज आर आई थिंक टू ऑफ द मेजर टेस्टिंग टाइम्स फॉर अस, जहां पे हमें लगता है कि नहीं यार मैं तो बहुत पेशेंट हूँ, मैं तो बहुत शांत हूँ, लेकिन ये दो चीजें होती हैं, यू गेट टू सी द एक्चुअल यू नो रिएक्शन. ओ माई गॉड, इंटरनेट इज स्लो. कुछ लोग तो लैपटॉप को ही यू नो बैंग करते हैं. ट्रैफिक जाम में फंस गए, दे स्टार्ट यू नो बीटिंग द हैंडल. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि वाई फाई बहुत स्ट्रांग हो. आप फोन से लाइव जा सकते हैं, लैपटॉप से लाइव जा सकते हैं, जिसमें कैमरा का होना बहुत जरूरी है. नाउ अगर आपके पास ट्राईपॉड है, नथिंग बेटर देन दैट, लेकिन फिर भी जस्ट ट्राई टू कीप इट एट अ एलिवेटेड सरफेस और उसको सही से बैलेंस करो, सो दैट लाइक यू नो स्टेबल रहे. एंड ऑफ कोर्स लाइक यू नो समवेयर टू पोस्ट नोट्स, यानी अगर सामने थोड़ी सी दीवार है तो वहां पे आप नोट्स रख सकते हो. ओके, दिस इज समथिंग. यूजुअली क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो कभी कभी हम इंपॉर्टेंट चीजों को बोलना भूल जाते हैं, तो आप थोड़े स्टिकी नोट्स लगा लो आगे, सो दैट यू नो कि ओके इसके बाद मुझे इसके बारे में भी थोड़ी बात करनी है. ओके, एंड अगर आप बड़े बड़े इवेंट करते हो, देन ऑफ कोर्स जैसे तो आप इवेंट जब क्रिएट करोगे अपने लाइव के लिए, तो को होस्ट आप रख सकते हो जो एंट्रीज को मॉडरेट करें, लेकिन दिस इज यूजुअली फॉर द रियली बिग इवेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं. ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड अदर देन दैट, जब हम फेसबुक की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था, जो फेसबुक का ऐप हेड है, हु हैड्स अ फेसबुक ऐप, he recently went online and he talked about is ki because of the lockdown, because of the pandemic we are into, Facebook ka abhi product development pe bahut bahut zyada focus hai, particularly towards the live streaming aspect of it. Tabhi agar aap dekhoge Facebook pe kafi naye naye tools hain, live mein bhi aapke paas kafi vast options aate hain aajkal, jo ki pehle ek mahina pehle nahi the. सो अगेन कंसिडरिंग कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा. सो कोटिंग फिजिसिमो, दिस इज अ रियली यूनिक मूवमेंट फेसबुक हैज हैड टू. इट्स नॉट कि हमारे डिलिबरेटली किया या वी वांटेड टू डू इट, नहीं, वी हैज हैड टू. व्हाई? बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द आवर. दैट्स व्हाई हम लाइव स्ट्रीमिंग पे इतना फोकस करते हैं. जैसे इन चीजों के बारे में ऑलरेडी मैंने बात करी, बट रिकैप इज लाइक रियली गुड. अब आप अपने लाइव स्ट्रीम को प्रमोट कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक ग्राफिक अनाउंसमेंट करोगे वायर यू आर गोइंग लाइव. इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, फेसबुक प्रोफाइल पे कर रहे हो, फेसबुक ग्रुप में कर रहे हो, फेसबुक पेज पे कर रहे हो, यूट्यूब पे कर रहे हो, जहां पे भी कर रहे हो. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेज पे लाइव जा रहे हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो? आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के उसके बारे में लोगों को अपडेट दे सकते हो. आप इंस्टाग्राम पे एक सेपरेट पोस्ट करके लोगों को अपडेट दे सकते हो कि आप फेसबुक पे लाइव जा रहे हो, राइट? आप व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल सकते हो, आप व्हाट्सएप पे लाइक यू नो अपने ग्रुप्स में लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हो. सिमिलरली आप फेसबुक प्रोफाइल पे स्टोरी डाल सकते हो, आप फेसबुक प्रोफाइल पे भी पोस्ट कर सकते हो, राइट? आप डिफरेंट ग्रुप्स में उसके बारे में पोस्ट कर सकते हो.
आप एक अच्छा इवेंट क्रिएट करके उसके बारे में पोस्ट प्रमोट कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे वी कैन प्रमोट आवर लाइव स्ट्रीम, वी कैन क्रिएट ऑडियंस फॉर आवर लाइव स्ट्रीम रियली रियली स्मूथली अगर हम सही तरीके से काम करेंगे। ओके, देन आप अपना एक रिकॉर्डेड वीडियो भी बना सकते हैं छोटा सा, हे गाइस लाइक यू नो आई एम सो एक्साइटेड टू गो लाइव ऑन 8th of May, where I talk about you know how to succeed in Oriflame. Don't forget to join me for details. Yeah, fill in your details now. जो भी आप post कर रहे हो. And then जैसे मैंने अभी कहा था, आप पेज पे boost post भी कर सकते हो, आप एक separate event भी create कर सकते हो. जैसे मैं breast practice की बात कर रहा था, it's very important that 2-5 minutes आप एक message भेजो जितने भी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, दैट यू नो दैट यू आर गोइंग लाइव इन नेक्स्ट 2 मिनट्स 3 मिनट्स 4 मिनट्स 5 मिनट्स व्हाटएवर इट इज। ओके, और जब आपका ब्रॉडकास्ट खत्म होता है तो पेज पे क्या होता है कि आपका जो ब्रॉडकास्ट है आप उसको पब्लिश भी कर सकते हो और वो वहां पे हमेशा रहेगा। लेकिन इंस्टाग्राम पे ये फीचर नहीं है। इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि आपका जो ब्रॉडकास्ट पब्लिश है वो स्टोरी में चला जाता है और सिर्फ 24 घंटे रहता है, उसके बाद वो वहां से वैनिश होता है। अभी हमारे पास कोई ऐसा फीचर नहीं है कि हम अपने ब्रॉडकास्ट को भी हाईलाइट कर सकें, जैसे आप स्टोरीज को हाईलाइट कर सकते हो। अभी हम इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ कर नहीं सकते, बट हु नोज कि कंसिडरिंग यू नो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव कंटेंट, हमारे पास इंस्टाग्राम पे भी ये फीचर आ जाए बहुत जल्दी। ओके, और जब हम लाइव को आप पब्लिश कर रहे हैं आफ्टर आवर लाइव इज डन, तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम उसका एक अच्छा सा टाइटल दे दें, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रखें। एग्जैक्टली जैसे आप किसी पोस्ट को शेयर करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पोस्ट दिखी आप उसको शेयर करना चाहते हो, तो वहां पे ऑप्शन आता है एडिट दिस पोस्ट, जहां पे आप अपना कमेंट लिखते हो। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस हियर। ओके, देन आप इसको प्रमोट भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा लाइव है एंड दिस इज इम्पोर्टेंट दैट मोर एंड मोर पीपल शुड नो वाई शुड दे ज्वाइन माई टीम टू बी सक्सेसफुल, देन आप उसको अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा भी सकते हो। Now there are two things which I believe are very very important कि अगर आप live जाओगे तो आप किस लिए जाओगे। जैसे lot of the time you see people go live जिनकी hobbies होती है, somebody is really good at singing they go live तो उनको बहुत ज्यादा praise मिलती है, कोई guitar बजाता है, right? So this is one way of doing it, but what I believe is that there are two ways, एक personal है और दूसरा business है, professional है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा impromptu वो live करते हैं, right? So, आप यूजुअली इम्प्रॉम्प्टू लाइव जितने भी आपके उनको आइडियली अपने फेसबुक प्रोफाइल से करो, एंड यू नो इट कुड बी जस्ट विद द इंटेंट ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, जस्ट लाइक यू नो फील गुड फैक्टर। मे बी आज आपको बस बात करने का मन है एंड यू फील लाइक गोइंग लाइव, यू कैन डू दैट, इम्प्रॉम्प्टू लाइव आर गुड। ओके, मे बी लॉकडाउन में यू हैव न्यू थॉट्स कमिंग इन एंड यू वॉन्ट टू शेयर दोज थॉट्स विद पीपल, या फिर आपने समझो कि कोई नई डिश बना ली और आप लोगों को उसका रेसिपी बताना चाहते हो, या आपने कोई अच्छा सा सीरीज देखा नेटफ्लिक्स पे एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, राइट? या आप समझो कि आपका टेरेस गार्डन है, या आपकी लाइब्रेरी है, या आपका वर्क डेस्क है, तो आप लोगों को इम्प्रॉम्प्टू लाइव जाके टूर दे सकते हो। उसमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, इट जस्ट लाइक मूड बन गया। जैसे हम किसी भी अच्छी लोकेशन पे जाते हैं, या अभी जब भी लाइक यू नो वो कैंडल विजल हुआ था, या समझो कि थाली का बीटना हुआ था, तो उस टाइम देखो हर कोई लाइव जा रहा था, बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू कनेक्ट एंड यू नो क्यूरेट दैट कंटेंट देन लाइव स्ट्रीमिंग। आप किसी ब्यूटीफुल लोकेशन पे जाते हो, आप इमीडिएटली कैमरा निकाल के वहां से लाइव चले जाते हो, राइट? सो दिस इज इम्प्रॉम्प्टू लाइव, वी शुड हैपन, देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, इट्स ओके। कभी कभी यू कैन डू इम्प्रॉम्प्टू लाइव, बट ऑफकोर्स जब मैंने टॉक अबाउट द प्रोफेशनल लाइव, यू हैव टू प्लान देम, कंसिडरिंग इस महीने मुझे किस चीज के बारे में बात करनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक हॉट रहेंगे, किस टॉपिक के बारे में लोग ज्यादा बात करेंगे, जैसे वेलनेस, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस, दीज आर सम ऑफ द हॉट टॉपिक्स फॉर यू नो करंट ट्रेंड। तो आप इन्हीं चीजों को लेकर लाइव प्लान करोगे, राइट? जैसे लाइक यू नो अनबॉक्सिंग आप कर सकते हो, कैटलॉग को यू नो प्रमोट कर सकते हो, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके, वर्क फ्रॉम होम को लेके, डिजिटल अपॉर्चुनिटी को लेके टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकते हो, या अपने नेटवर्क की बात कर सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन एक्चुअली लाइक यू नो प्रमोट यूर लाइव स्ट्रीम एंड रीच यूर टारगेट ऑडियंस। मैं पहले कह रहा था कि आप इवेंट क्रिएट करो, जैसे आप पेज पे अगर कर रहे हो तो आइडियली आई विल रिकमेंड यू नो क्रिएट अ नाइस इवेंट।
इवेंट जब आप क्रिएट करोगे, आप इवेंट में नाम डालोगे वही जो कि आपके लाइव स्ट्रीम का टाइटल होगा, और अगर आपका लाइव स्ट्रीम ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी है तो इट शुड बी यू नो मे बी यू आर वेयरिंग अ नाइस फॉर्मल या सेमी फॉर्मल्स में हो आप, या इट्स लाइक यू नो सम सेलिब्रेशन काइंड ऑफ थिंग विच लुक्स लाइक रियली बिग. इट कैन नॉट बी एनी बोरिंग क्रिएटिव मैंने बनाया वेयर आई लुक टायर्ड एंड ऑल. विल पीपल बी अट्रैक्टेड? दे विल नॉट बी. कॉन्टेंट स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ, जो कि लास्ट टाइम मैंने कैनवा ट्रेनिंग में भी कहा था. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू पिक द नाइस इमेजरी. ओके, अच्छा इमेज हमने चूज किया, एंड जहां पे लोकेशन का ऑप्शन आता है इवेंट में वहां पे हमें मेंशन करना है ये तो ऑनलाइन हो रहा है. ओके, देन उसके बाद जब आप इवेंट क्रिएट करते हो आपके पास ऑप्शन आता है डिटेल्स देने का, यानी आपको वो डिटेल देनी है लोगों को कि व्हाट इज दिस इवेंट अबाउट. तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन देने का, इवेंट किस दिन है और किस टाइम के बीच में है, एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई को होस्ट है, जैसे मैं अभी कह रहा था बड़े बड़े इवेंट जो होते हैं जहां पे आपको लगता है कि मैं तो खुद जितने भी लोग इंटरेस्ट दिखा देंगे या जितने भी लोग डिटेल सेंड करेंगे उनको तो मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं कर सकता, तो आप क्या कर सकते हो, तो बहुत सारे लोग को होस्ट रखते हैं जिनका काम मॉडरेशन होता है, वो लोगों को रिप्लाई करते हैं, लोगों का डिटेल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको इवेंट के बारे में अपडेट देते हैं, राइट. एंड देन एक बार आपने इवेंट क्रिएट किया उसके बाद आपके पास इनवाइट एंड टारगेटिंग का ऑप्शन आता है, वो डिपेंड करता है. जैसे अगर आप प्रोफाइल से करोगे तो आप दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो, पे से करोगे तो आप टारगेट कर सकते हो. जैसे मुझे ये दिल्ली में चलाना है ये इवेंट, मुझे ये लाइव या ये किसी पर्टिकुलर लाइक यू नो रीजन में ही चलाना है, तो आपके पास वो ऑप्शन थे. तो आप इनवाइट फ्रेंड्स को कर सकते हो, आप सिलेक्टेड भी रह सकते हो कि किस किस दोस्त को बुलाना है अगर आप प्रोफाइल से करते हो, एंड फॉर पेज आप अपना टारगेट ऑडियंस चूज कर सकते हो जैसे आप यूजुअली पेज में हमारे पास ऑप्शन आती है. And in also what you can do is aap WhatsApp invite create karo, and it's always important to make them personal. It's very important aaj ke time mein. You have to make people feel valued and special. Aapne dekha hoga, for example, like you know, koi festival hai. For example, chalo main Diwali ki baat karta hu, to bahut sare log kya karte hain, wo aapko forward karte hain. To unke paas ek hi message hota hai, usi message ko forward karte hain. Jab aapke paas waisa message aata hai, या तो आप उसको वापस कुछ फॉरवर्ड ही भेजोगे. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगेन लेट मी सी पिक सम अटेंडीज नेम हियर. ओके, फॉर एग्जाम्पल मोनिका इज हियर नाउ. मोनिका यू सी इफ शी इज विशिंग मी टुमारो एंड शी इज सेइंग शी इज लाइक यू नो पर्सनली कॉलिंग मी, हे सफीर होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई विश यू एंड यूर फैमिली अ हैप्पी दिवाली. I will immediately feel connected and I will say, hey, thank you Monica, wish you and your family the same, right? तो इमीडिएटली हम गलती क्या करते हैं, हम एक ही कम्युनिकेशन चूज करते हैं, प्लीज ज्वाइन माय लाइव इवेंट, थैंक यू, एंड देन वो लिंक दे दिया. तो जो भी आ गया उसको वैसे उसको कॉपी पेस्ट करके भेज दिया, फॉरवर्ड करते गए उसी को. तो उसमें क्या होता है कि लोग ना रिलेट नहीं कर पाते, वो कनेक्ट नहीं कर पाते, तभी हमारा रिक्रूटमेंट भी बहुत हद तक इफेक्ट होता है. वाई? बिकॉज वी डू नॉट पर्सनलाइज अवर अप्रोच, वी डू नॉट पर्सनलाइज अवर कम्युनिकेशन, एंड वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि वी स्ट्रगल विद रिक्रूटमेंट एज वेल. ओके, एंड दैट्स व्हाई आप व्हाट्सएप थ्रू उनको इनवाइट करो. जैसे फॉर एग्जांपल, ए हाय जूही, आई एम डूइंग अ फेसबुक लाइव विद अबाउट अ प्रूवन स्किन केयर रूटीन फॉर वुमेन, इज ओनली 20 मिनट्स लॉन्ग एंड आई विल बी शेयरिंग अ लाइव डेमोंस्ट्रेशन एंड अ रियली वंडरफुल टेस्टिमोनियल. योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, कैन आई काउंट ऑन यू टू कम, और फिर अपना नाम. नाउ दिस इज अ पर्सनल इनवाइट. ओके, तो मेक इनवाइट पर्सनल. और हमेशा जब आप उनको टेक्स्ट भेजोगे कहीं पे भी, तो जहां पे भी आप लाइव जा रहे हो उसका लिंक भेजना बहुत जरूरी है साथ में. जैसे फेसबुक प्रोफाइल पे लाइव जा रहे हो तो प्रोफाइल का लिंक दे दो, पेज पे लाइव जा रहे हो तो पेज का लिंक दे दो. ओके, एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप टेक्स्ट के बदले आप उनको वॉइस नोट भी डाल सकते हो, वो ज्यादा पर्सनल है. और अगर आप एक सिंपल वीडियो मैसेज डालोगे खुद को रिकॉर्ड करके, इट विल हैव मोर इम्पैक्ट. So you need to experiment with all of those things. In fact, मैंने recruitment training में भी यही कहा था कि video message या voice note ज्यादा recruitment drive करते हैं than a simple text message. तो छोटी छोटी tips हैं, but they have a lot of impact when we talk about digital marketing. Okay? And finally, जब हमें live करना है, कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. One, कि क्या लाइटनिंग गुड है, यू नो हाउ लिट माय रूम इज, ऑफ कोर्स लाइक यू नो सेटिंग्स कितनी अच्छी लग रही हैं. तो अगर आप एक ओरिफ्लेम लीडर हो, आपके पास अवार्ड्स हैं, आपके पास एकोलेड्स हैं,
तो आप एक अच्छा बैकग्राउंड सेट कर सकते हो जहाँ पे आपकी रिकॉग्निशन दिख रही है, इंटरनेट क्या स्ट्रांग है मेरा कि नहीं है, मेरा फोन क्या अच्छे से बैलेंस है कि नहीं है, गिर तो नहीं जाएगा. एंड ऑल्सो लाइक यू नो, ऐसा नहीं हो कि पीछे प्रेशर कुकर की विसल सो रही है या somebody is watching a movie, उनका भी आवाज आ रहा है, या बार बार you know kids are trying to come in. नहीं, we need to avoid those distractions as much as possible. And जैसे पहले कहा था कि बहुत follow-up है, crucial, बहुत follow-up है, sorry, follow-up बहुत crucial है, तो हर message को जो भी attendee है उनको personal message करो और उनको thank you कहो tuning in के लिए. अगर उनके कुछ questions हैं या उनकी अगर आपका लाइक यू नो आपने एक ज्वाइंट वेबिनार किया सॉरी लाइव किया था वेर यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट एज वेल एज द अपॉर्चुनिटी, तो आप उनको बता भी सकते हो कि वेदर दे आर इंटरेस्टेड. एंड इफ पॉसिबल देन लाइक यू नो डिसाइड अ टाइम व्हेन यू नो दे आर कंफर्टेबल टॉकिंग एंड उनको आप कॉल कर लो. नाउ लाइक यू नो यू ऑलरेडी नो हाउ टू गो लाइव ऑन फेसबुक पेज, हाउ टू गो लाइव ऑन फेसबुक प्रोफाइल, राइट? इन फैक्ट हाउ टू गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कुछ अगर आप वेलनेस को लेके लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हो, तो जैसे मैंने अभी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेमो दे दो या हाउ टू ट्यूटोरियल पे ज्यादा फोकस करो. इट कैनॉट बी कि लाइक यू नो ओरिफ्लेम शेक को लेके आप लाइव चले गए या आप एस्ट्राजेनेथिन को लेके लाइव चले गए या यू नो ओमेगा को लेके लाइव चले गए. नहीं, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. इट शुड बी प्रोडक्ट डेमो और हाउ टू ट्यूटोरियल. जैसे स्किन केयर के लिए, मेकअप के लिए हाउ टू ट्यूटोरियल इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट वर्क्स. Okay, then talk about the detailed information about the product. Kya benefits hain, kya features hain. You can have like you know a dedicated live stream about say wellness routine. Kal ko aap like you know apne bachon ke liye kaise aap interesting shakes and smoothies bana sakte hain, right? Maybe aapne testimonies share karne hain jitne bhi logon ne aapse abhi tak wellness purchase kari hai aur aapka routine follow kara hai basically. आपके टीम में लाइक यू नो सक्सेस अचीवर्स हैं एंड यू वांट टू टेल पीपल लाइक यू नो इफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस एंड आल्सो वांट टू लाइक यू नो मेक इट योर करियर, आई एम रिक्रूटिंग फॉर माय वेलनेस टीम. और उसमें आप सिर्फ अपने वेलनेस स्टार्स को, अपने वेलनेस चैंपियंस को इंट्रोड्यूस करो एंड टेल देम हाउ इज दैट यू कैन बी पार्ट ऑफ माय वेलनेस टीम एज वेल. टेस्टिमोनियल्स लाइक यू नो आपकी बेसिकली इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट? बट आप क्या करते हो, आप उसको बस एक थीम देते हो कि ये तो वेलनेस थीम्ड मेरा टेस्टिमनीज है, ये वेलनेस थीम बिजनेस अपॉर्चुनिटी में प्रमोट कर रहा हूँ. सिमिलरली स्किन केयर के लिए अगेन द डेमो एंड हाउ टू ट्यूटोरियल. लाइक आपको रूटीन की बात करनी है, आप प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग्स के बारे में बात कर सकते हो, आप लाइव एप्लीकेशन दे सकते हो. मे बी फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज गोइंग लाइव, यू नो यू कैन गो लाइव विद योर पार्टनर एज वेल एंड ट्राई दी. अगर फॉर एग्जाम्पल नवेज मैन, तो आप अपने हस्बैंड के साथ लाइव जा सकते हो और एक अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकते हैं. Similarly, like, you know, it can be for optimals as well. You can go live with some household member and, you know, try, give people demo ki that is how exactly it works. And it will be a good live. And I'm sure ki aapki family mein people will be also excited to come online and be part of your, you know, a live stream. And try this. It will work. Okay. Beauty entrepreneurship ko leke. And of course, we talked about, you know, bath and body, fragrances, you know, skincare products, which are the need of the hour. Similarly, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना है, देन टेस्टिमोनियल, सेलिब्रेशन, सक्सेस स्टोरीज आर थ्री क्रिटिकल वेज आई कैन क्रिएट लॉट ऑफ एंगेजमेंट फॉर माय बिजनेस अपॉर्चुनिटी. मैं डायरेक्टली ओरिफ्लेम को लेके लाइक यू नो बात कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा था हाउ टू सक्सीड इन ओरिफ्लेम, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई 15 कंट्रीज ट्रेवल कर चुका है, देन लाइक यू नो हाउ डिड आई ट्रेवल टू 15 कंट्रीज फॉर फ्री. ज्वाइन माय, अगर आप वेबिनार करो तो उसके लिए भी बस क्रिएट कर सकते हो, या कल को अगर आपने अच्छा सा ट्रेवलॉग प्लान किया है तो आप लाइव भी जा सकते हो जहां पे आप लोगों को दिखा सकते हो ये सारी चीजें. ओके, इंस्टाग्राम पे आप एक सीरीज कर सकते हो पूरा, जहां पे आप अपने अचीवर्स को बुलाओ. तो आपके नेटवर्क में कोई होम मेकर है हु यूज्ड टू बी अ सिंपल हाउस वाइफ, लाइक मोस्ट ऑफ हाउस वाइफ हियर वी नो वी हैव इन इंडिया, बट आज के टाइम में शी इज एन एम्पावर्ड वुमन. तो आप उसके साथ एक अच्छा Q&A प्लान कर सकते हो जब वहां पे उनको डायरेक्ट क्वेश्चन डालोगे, वेरी सिंपल ऑनेस्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल प्रेरणा, कैन यू प्लीज टेल मी लाइक यू नो आप पहले क्या करते थे, देन आप हमसे कैसे मिले, देन यू इट इज वेरी गुड टू लाइक यू नो रिकलेक्ट एंड गो बैक टू दोज मेमोरीज एंड पीपल फील दैट ओके दिस इज रियली नाइस, दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. ओके,
एंड देन बेस्ट प्रैक्टिसेस वी टॉक्ड अबाउट इट. नाउ अगर कुछ लोग पहली बार कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, जब आप फेसबुक में लाइव पे क्लिक करते हो तो वहां पे दो ऑप्शन आते हैं, दो तीन ऑप्शन आते हैं. वहां पे एक ओनली मी का फीचर आता है. जैसे आप जब भी कोई फेसबुक पोस्ट करते हो उसमें प्राइवेसी में तीन सेटिंग आती है. एक, ये पोस्ट सिर्फ मैं खुद ही देख सकता हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स देख सकते हैं, या फिर कोई भी देख सकता है जो फेसबुक पे है पब्लिक. ओके, नाउ अगर आप लाइव जाना चाहते हो और आपको भी पता नहीं कि लाइव स्ट्रीम कैसी है, क्या कुछ होता है ना, वी हैव स्केयर, वी हैव इनहिबिशंस, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो फेसबुक पोस्ट की सेटिंग है उसको ओनली मी कर दो और फिर लाइव चले जाओ. तो उसमें आपको पूरा पता चलेगा, ओके टूल ऐसा है, यहाँ पे टाइटल देना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, यहाँ पे मैं इसको क्रॉस प्रमोट कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे कैमरा चूज करना है. तो आप इजिली उसको ट्राई कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ. और जब आपको कॉन्फिडेंस आ गई उसके बाद आपने सेटिंग्स चेंज कर ली और सबके लिए लाइव कर दिया. क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार कर रहे होंगे तो उनको कंफ्यूजन आ जाएगा, तो लॉट ऑफ पीपल हैव नो आइडिया कि लाइव शुरू हो भी गया है. ओके, स्पेस आउट लाइव वीडियोस विद अदर फेसबुक पोस्ट. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं परसों लाइव जा रहा हूं तो आज मैं दो तीन पोस्ट नहीं करूंगा फेसबुक पे, मैं आज लाइव का पोस्ट करूंगा कि मैं दो दिन बाद लाइव जा रहा हूं, और मे बी कल जो पोस्ट होगा उसमें भी मैं लाइव की बात करूं. नॉट नेसेसरी आई विल टॉक अबाउट प्रोडक्ट और कैटलॉग, आई कैन टॉक अबाउट बीच में एक पोस्ट, बट मेरा फोकस होना चाहिए टू प्रमोट माई लाइव स्ट्रीम. जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि जब आप स्टार्टिंग में करते हो तो कीप री इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, क्योंकि आपके पेज पे नए नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं आपके लाइव में, दे हैव नो आइडिया हु यू आर. सो जस्ट लाइक यू नो, जो पहला एक डेढ़ मिनट है, ट्राई टू लाइक यू नो मेक इट क्विर्की फनी, कॉल पीपल बाय देयर नेम, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सो दैट पीपल नो. ओके, और एक बार आपके पास हैंडफुल व्यूअर आ गए देन यू कैन लाइक यू नो गेट स्टार्टेड. मेक इट स्पॉन्टेनियस. ऑफकोर्स लाइव वीडियो स्पेशल क्यों है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस है. ऑफकोर्स आपके पास एक डेडिकेटेड स्क्रिप्ट होनी चाहिए, लेकिन आप वो रट्टा नहीं मार सकते कि नहीं मुझे ये बोलना है, जैसे आप कोई चीज याद करो. नहीं, वट मेक्स लाइव मोर इंटरेस्टिंग इज द ह्यूमन एरर विच हैपन्स. मे बी, अरे यार ये तो पीछे ये बैकग्राउंड मुझे चेंज करना था, मे बी आई फॉरगॉट, मे बी लाइक यू नो I had to do something और मैं गलती से कुछ हो गया. तो ये चीजें हो जाती हैं, but do not be scared of them. As long as it happens in good spirit, do not be scared of them. पहले पहले सबसे mistakes होंगी, it's okay, but it will not happen जब आप दूसरा करोगे, तीसरा करोगे. And live streaming important भी क्यों है, क्योंकि आगे जाके आपको ideally जो आपका पेज है, वीक में एक बार तो आपको लाइव जाना ही जाना चाहिए. तो अगर आप वीक में तीन पोस्ट करते हो अपने पेज पे, एक पोस्ट पिक्चर रखो, एक पोस्ट वीडियो रखो और एक लाइव स्ट्रीम रखो, इससे आपका कंटेंट बैलेंस बहुत अच्छा बना रहेगा और आपका पेज काफी तेजी से ग्रो भी करेगा. ओके, नाउ जो भी लोग आपको कमेंट करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि उनको नाम से मेंशन करो एंड यू नो जस्ट आस्क देम हाउ दे आर डूइंग, एनकरेज देम. जैसे अभी, डू नॉट वरी अबाउट मिस्टेक्स और स्टटर्स. सो समटाइम्स थिंग्स माइट नॉट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान, बट इट्स ओके, यू माइट लूज योर train of thoughts or something, but it's all right, people understand that as well. Are ye to bhul gaya, but it's okay. Then usually agar hum best practices ki baat karte hain, 10 minute kehte hain ki bahut acha time hota hai, lekin agar aap kisi tutorial ki baat karte hain jahan pe aap 15 minute tak easily you know stretch bhi kar sakte ho, but your live should not be more than 15 minutes ideally. Okay, and finally jab aap video खत्म करने वाले हो तो आप ना लाइव स्ट्रीम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू से गुड बाय टू पीपल, थैंक देम एंड टेल देम लाइक यू नो यू आर सो एक्साइटेड टू कम ऑनलाइन अगेन एंड टॉक अबाउट लाइक यू नो वन ऑफ योर फेवरेट प्रोडक्ट्स और समथिंग, या लाइक यू नो शेयर वन मोर अमेजिंग सक्सेस स्टोरी फ्रॉम योर नेटवर्क और टीम. ओके, नाउ कंक्लूडिंग इट, सबसे पहले आपके दिमाग में एक अच्छा क्लियर कट ऑडियंस होना चाहिए कि मुझे किन के लिए लाइव करना है, इन्वाइट्स भेजने हैं, एक अच्छा बज क्रिएट करना है, प्रमोट करना है सबसे पहले मुझे अपनी लाइव स्ट्रीम को, सो दैट ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन आ जाए, वेलकम करना है, और जो भी हमारी स्क्रिप्ट होगी वी नीड टू स्टिक टू इट एंड हैव अ प्रॉपर प्लान व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, राइट? एंड देन वी क्लोज इट विद अ डेडिकेटेड कॉल टू एक्शन दैट यू नो आई वुड रियली लव टू नो योर फीडबैक. तो आप मुझे कमेंट्स में प्लीज मेंशन, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन भी होंगे तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा. Follow up again critical. So follow up with all those people. So WhatsApp पे अगर आपने किसी को invite भेजा था and they came,
तो उनको फिर व्हाट्सएप पे इनवाइट भी ये डाल दो मैसेज, ए थैंक यू सो मच फॉर लाइव लाइक यू नो आई होप यू लाइक इट, डू यू थिंक लाइक यू नो कुछ चीजें चेंज करनी चाहिए मुझे या आपको कैसा लगा. सो दिस इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू फॉलो अप. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक सम क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी. पेज लिंक शेयर कैसे करते हैं मनीषा? नहीं नहीं, दैट इज नॉट मैंडेटरी. आप एक अच्छा स्टैंडर्ड यू नो टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, बट वी नीड टू मेक श्योर दैट टेम्पलेट इज अट्रैक्टिव. टेक्स्ट अभी कुछ जैसे मैंने दिखाया था तो यूजुअली इनवाइट्स के टेम्पलेट ऐसे ही रहते हैं. ओके, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि अलग अलग फॉर्मेट में बनाए. हाँ, जब आप इवेंट के लिए बनाओगे तो उसका साइज अलग है, तो आप इजिली कैनवा में भी बना सकते हो, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था. सो आई विल जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई विल गो टू कैनवा, इफ यू कैन सी माई स्क्रीन. फॉर एग्जाम्पल कल को आप अपने कैन यू सी माई स्क्रीन. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको इवेंट के लिए अच्छा कवर बनाना है, तो आप जैसे यहाँ पे जाओगे क्रिएट डिजाइन, यहाँ पे आप लिखोगे फेसबुक इवेंट. ओके, तो आप देखोगे आपके पास ऑलरेडी इवेंट कवर का डायमेंशन आ गया. इट मीन्स दैट ये प्रॉपर डायमेंशन है, एक नॉर्मल फेसबुक पोस्ट वहां पे वर्क नहीं करेगी. नाउ आपको किस तरीके का इवेंट क्रिएट करना है, तो आई विल से फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्यूटी रिलेटेड इवेंट होने वाला है, तो आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास कितनी थीम्स हैं, कुछ इसमें फ्री हैं, कुछ इसमें पेड हैं. नाउ फॉर एग्जांपल आई मे बी रियली लाइक दिस वन. ओके, तो यहाँ पे आप इसको एज एन इवेंट कवर चूज करेंगे, या इसमें आप फर्दर चेंज कर सकते हैं, जैसे आप नाम चेंज करेंगे या कुछ डेट वेट डालेंगे इधर भी. So that is totally up to you. I think Canva pe humne already training kari hai how you can better your content. We will not be discussing that. Okay, just a second.